जम्मू कश्मीर में पुलवामा के गासू इलाके में मंगलवार सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकी एक घर से छिपकर फायरिंग कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया है और 3 घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी ढेर कर दिया है। भारत में आज लगातार 5वें दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर पहुंच गया। विकास दुबे की पत्नी, नौकरानी और पड़ोसी गिरफ्तार, सिपाहियों के मोबाइल पर फोटो। विकास दुबे को ढूंढने के लिए पुलिस की 40 टीमें काम कर रही हैं। उसके लखीमपुर में होने की सूचना पर भारत नेपाल की 120 किलोमीटर की सीमा सील कर दी गई है। पुलिस ने विकास की बहू, नौकरानी और एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। देश में पेट्रोल की कीमतों में मंगलवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि डीजल की कीमतों में मंगलवार को तेजी आई है। इससे पहले लगातार 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। पंजाब की सियासत में भूचाल लाने वाले श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेदबी मामले में SIT ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। हरियाणा के सुनैरिया जेल में बंद डेरा प्रमुख को प्रोडक्शन वारंट को लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त किए गए PTI अध्यापकों ने गुहार लगाई है कि सरकार उनकी सुने और उन्हें नौकरी पर पुनः रखा जाए। गोविंद पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरियाणा शारीरिक अध्यापक संघर्ष समिति के प्रधान विजय सिंह ने कहा कि वह सरकार द्वारा हटाए जाने के बाद से ही क्रमिक अनशन कर रहे हैं। सर, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन एक आंदोलन के रूप में पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से आम जनता की आवाज़ बनकर के सामने आया है, तो हम ये चाहते हैं कि वे 1983 जो परिवार है, आज उनका किसी भी प्रकार का कोई दूसरा रोटी रोजी का साधन नहीं है और वो लोग केवल और केवल सरकार के मतलब ध्यान में लाने के लिए अपने परिवार सहित, अपने साथियों सहित पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पहले भी और आज भी सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार सहानुभूति पूर्वक हमारे 1983 परिवारों के ऊपर अपनी कृपा करे कि भी 1983 जो परिवार हैं, इनका भी रोज़गार जो सरकार ने दिया था वो चलता रहे। हम कि बार बार जो है ना, लोगों की हमारे सामने बातें आती हैं कि भी राजनीति का ये है और वो, हम कर्मचारी हैं, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं, हम सरकार के हैं। सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, इंडियन नेशनल लोकदल की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या जननायक जनता पार्टी की, उससे पहले भी सरकारें रही हैं और कर्मचारी कर्मचारी ही रहा। तो हमें रोज़गार की ज़रूरत है, हम किसी प्रकार की राजनीति के कोसों दूर हैं, नहीं हम इन चीज़ों के आदि, क्योंकि हमारा काम ही नहीं, हमें तो पेट पालने का काम था वो हम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाने का काम था, खिलाने का काम था, जिस काम से अब आज हम वंचित हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गैर HCS कर्मचारियों से IAS के 5 पदों के चयन प्रक्रिया में बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय सहित अन्य स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को बाहर रखने को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई है। इस पर हाईकोर्ट की बेंच ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का निर्णय लेते हुए मामला स्थगित कर दिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।